जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं कौशिक सरकार आप लोगों के साथ पहले भी वादा किया हूँ कि जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी टाइम मिलने लगेंगे, मैं आपको इंटरडे स्टॉक और मार्केट से जुड़ी हुई हर एक छोटी छोटी बातें, मार्केट में कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इसकी बातें, सारे बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हमारा इस सरकार ट्रेडर्स चैनल के माध्यम से। तो मैं इस वादे को पूरी पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने का। तो देखिए, यहाँ पे 9 सितंबर के लिए हमारे सामने जो कॉल आ रहा है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। देखिए, हमारा जो क्लास है वो क्लास अटेंड करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको आधा घंटे से ज़्यादा स्टॉक ढूंढने में लगेगा, वो भी दो चार स्टॉक आपको आधे घंटे बैठने से ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, हमारा अभी 7 सितंबर से क्लास था, ये शुरू हो चुका है और 20 सितंबर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर क्लास है, ये आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा कॉल है कजरिया सीमेंट्स पिछले दिन था, वो बिल्कुल टारगेट बहुत बढ़िया तरीके से अचीव हुआ है कि 80 लेवल के आसपास का बाइंग था और 89 का टारगेट था। ओके दोस्त, 2% से ऊपर तो बिल्कुल वो देखने को मिला है। और कल यानी मंडे के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर यहाँ से कजरा सीमेंट नीचे आके अगर दोबारा फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए, एक झटके में ऊपर जाए तो उसमें नहीं जाएगा, अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो उसको आपको बाइंग पोजिशन बनाना चाहिए 492.50 पे। आपको टारगेट होना चाहिए 497.50। ओके दोस्त, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं दिया हूँ क्योंकि यह स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ तक नहीं जाता है तो आपको 484 तक आ सकता है और इस टाइम पे आप बाइंग कीजिए इसको और 490 का टारगेट फर्स्टली लगा लीजिए। फिर अगर अपने देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 490 का टारगेट लगा दीजिए और फिर सेकंड टारगेट के तौर पे आपने 491.50 या तो 492 के आसपास लगा लीजिए, फिर कुछ हिस्सा और रख दीजिए। अगर इस लेवल को दोबारा तोड़ता है दोपहर के बाद तो फिर आपको 95 के आसपास के जाने का चांसेस मिलेगा, मतलब आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 480 का। देखिए, ICICI बैंक 395, इसका ऊपर जैसे सस्टेंस करने लगेगा तो मुझे लगता है ये यहाँ से 399 तक जाना चाहिए, इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 392। ओके दोस्त, टोरेंट फार्मा ये गुड मतलब अच्छा है आने वाले एक दो दिन के लिए, ये आपको 1765 का टारगेट दिखा सकता है आने वाले एक दो दिन में, ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन में भी दिखा दे, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसको होल्डिंग बेस पे लेना ही सही रहेगा। और जो मेरा स्टूडेंट बाइंग का जगह जानते हैं कि किस जगह पे बाइंग करना है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ इस टोरेंट फार्मा पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है। ओके, यूपीएल पे बाइंग ट्राई, सॉरी ये यूपीएल पिछले दिन का कॉल था, इसको आज मत लीजिएगा, ठीक है, इसको ये मेरा मंडे का कॉल पे शामिल नहीं है यूपीएल। ओके, चलिए, TCS सेल साइड में है, इसको दोबारा आप सेल साइड के लिए वॉच कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेरा स्टूडेंट है उनके लिए विशेष करके बोल रहा हूँ कि सेल साइड के तौर पे जिस लेवल पे मैं सेल पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस कंडीशन देखने से हमारे चार्ट के हिसाब से, वहाँ से आप इसको सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। जिल पे देखिए, दोनों तरफ का कॉल बन रहा है, अगर 363 के ऊपर जाता है, सस्टेंस करता है तो आपको 366, मैं क्या करता हूँ, 1% अगर आपको मिल गया एक दिन में वो बहुत होता है आपको प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ 1% के आसपास का टारगेट रखने का। तो जिल में 363 के ऊपर सस्टेंस करे तो 366 तक जाने का उम्मीद है, इसको स्टॉप लॉस 360 का है। जिल अगर ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ जाता है तो 358 के नीचे आपको सेल करना है, 355 आपको टारगेट होना चाहिए और 3 आपको 361 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए, सन फार्मा यहाँ से आगा 428, देखिए उस दिन हमारा सेल कॉल पे था, बृहस्पतिवार को सेल कॉल में सन फार्मा था, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं नहीं रखा था सेल कॉल में इसको, लेकिन वो हमारा सेल जो टारगेट था सेल पोजीशन से लेके बिल्कुल दोनों टारगेट अचीव हुआ है। देखिए, सन फार्मा क्या है, 428 के ऊपर आपको बाइंग करना, 432 तक आपको टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट 434 आपको स्टॉप लॉस जो इस समय होना चाहिए वो 422। ओके दोस्त, जहाँ तक मैं बताया आपको, सारे स्टॉक को आप नोट डाउन करके रखिए, नहीं तो मार्केट आवर्स में आपको याद नहीं रहेगा। मेनली जो मैं फोकस डाल रहा हूँ वो कजरिया सीमेंट्स के ऊपर और ICICI बैंक के ऊपर, इन दोनों चीज के ऊपर आप थोड़ा सा अच्छा से ध्यान रख सकते हैं, ये टारगेट बहुत बढ़िया से अचीव होने का संभावना लगता है।
ओके दोस्त, बाकी टोरेंट फार्मर भी ध्यान रखिए, टीसीएस स्पेशल साइड पे ध्यान रखिए, जिल पे बाय साइड में। ओके तो आज का इस कॉल वाला वीडियो में इतना ही। अगर हमारा कॉल अच्छा लग रहा है, अगर अचीव हो रहा है, तो आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, तभी आपको क्या कहते हैं फर्ज निभा रहे हैं। मैं जैसे मेरा वादा किया था, मेरा फर्ज निभा रहा हूँ, तो आप भी आपका फर्ज तभी निभाएंगे जब आपको कॉल अच्छा लग रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है, तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर टारगेट पे अचीव नहीं जा रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्त होने के नाते दोस्त को दुबाना नहीं चाहिए, तो गलत चैनल का इन्फॉर्मेशन दोस्तों के पास नहीं देना चाहिए। ओके दोस्त, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।